नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आप IAS में। दोस्तों यहाँ पे बहुत ही प्यारी सी बात लिखी गई है, मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता, क्योंकि हिम्मत करने वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरे नहीं होते हैं। स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल आप IAS में। दोस्तों जैसे कि हमने वादा किया था, आप IAS आपके लिए UPSC प्रीलिम्स के लिए और UPSC मेंस सभी एक स्तर की तैयारी के लिए जो है क्रैश कोर्स लेके आ चुका है 2020-21 के लिए। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, आज की ये जो वीडियो रहने वाली है वो रहने वाली है इंडिया की बहुत ही एम्बिशियस स्कीम मेक इन इंडिया, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन के द्वारा ये स्कीम चलाई जा रही है और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो है इसमें जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री भी इसका साथ दे रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। तो आइए आप IAS ऑथेंटिक स्लाइड से अकाउंटेबल वे में प्रोफेशनल वे में आपको ये चीज़ें प्रेजेंट कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, हमारा मेंस डेली आंसर राइटिंग का इनिशिएटिव चल रहा है, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आगे मैं नंबर दूंगा उससे आप जुड़ सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है लगातार हम अभी शुरू करने वाले हैं ताकि आपको जो है प्रीवियस ईयर पेपर्स की जो है एनालिसिस इन डेप्थ में मिल जाए। तो दोस्तों जो भी लोग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से जुड़ना चाहते हैं वो हमारे इस नंबर पर 9994943600 पर जुड़ सकते हैं, हमें मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पर और आपको जो है जोड़ दिया जाएगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से। तो दोस्तों जो मेक इन इंडिया स्कीम है उसमें कुछ चैलेंजेस सामने आ रहे हैं जो कि आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से जो है रिलेवेंट होगा। क्रैश कोर्स है तो इसमें मेंस प्रीलिम्स दोनों को साथ साथ लेके चलेंगे। तो पहली जो चैलेंज हमें दिख रहा है वो है 10% की ग्रोथ से लगातार 3 डिकेड ग्रो करना। देखिए इंडिया का जो टारगेट है वो है टू ग्रो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2025। तो दोस्तों इसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि 10% की ग्रोथ रेट हमारा स्टेबलाइज हो, इसके अलावा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो है इंडिया की रैंकिंग में सुधार हो। उसके अलावा देखिए इंडिया को ग्लोबल सप्लाई चेन का पार्ट बनाना ये बहुत बड़ा चैलेंज है जो बहुत से अर्थशास्त्रियों ने इकोनॉमिस्ट ने जो है वो डिलिनेट किया है इस बात को। देखिए होता क्या है, जैसे सप्लाई चेन मैकेनिज्म में ये डिमांड साइड है, ये सप्लाई साइड है, तो बीच में ट्रांसपोर्टेशन और बहुत से फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो इस पूरी सप्लाई चेन को जो है सक्सेसफुल बनाते हैं। मगर इंडिया में क्या है कि जो ट्रांसपोर्टेशन है और जो क्रेडिट फैसिलिटी है NBFCs की जो क्रेडिट फैसिलिटीज़ है वो बीच में लिंकेज नहीं है। तो इस लिंकेज ना होने के कारण क्या है, जो डिमांड सप्लाई है उसके बीच में जो है नॉन लिंकेज, जिसके कारण जो है टोटल जो है इंडिया की जो है ग्लोबल सप्लाई चेन की तो बात छोड़िए, जो डोमेस्टिक सप्लाई चेन है उसमें भी इंडिया के जो फार्मर्स हैं वो कम्पीट नहीं कर पाते। तो इसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इसके अलावा देखिए डोमेस्टिक बिजनेस को बूस्ट करना एक बड़ा चैलेंज है इंडिया के लिए। इसके अलावा देखिए इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड इकोनॉमी बनाना, आप देखिए इंडिया जो है कंजप्शन बेस्ड इकोनॉमी बन चुका है जहाँ पे कि प्रोडक्शन बहुत कम होता है और कंजप्शन ज़्यादा होता है क्योंकि मार्केट डोमेस्टिक मार्केट बहुत बड़ी है। तो इंडिया को एक प्रोडक्शन मार्केट बनाना बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी सी सरकार की हो जाती है। इसके अलावा देखिए यंग इंडिया में जो है स्किलिंग पूरे को स्किल करना और उनके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना ये भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। और देखिए इंडिया को रिसर्च एंड डेवलपमेंट का हब बढ़ाना ये बहुत बड़ा चैलेंज है जिसके ऊपर गवर्नमेंट लगातार काम कर रही है। बट जो हमारा GDP का पूरा अगर हम हिस्सा देखें तो मात्र 1-2% हमारा जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए लगाया जाता है, तो वो ग्लोबल इकोनॉमी से बहुत ही कम हो जाता है। और अर्बनाइजेशन के लिए जो है भारत में यूनिक अपॉर्चुनिटी है, मगर जो डेवलपमेंट ऑफ द स्लम्स है और कॉनर्बेशन है वो इसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज प्रोड्यूस कर रहा है। तो आइए देखते हैं इंडिया के लिए एडवांटेजेस क्या क्या हैं। इंडिया जो है वर्तमान में थर्ड लार्जेस्ट GDP है विद 8.6 ट्रिलियन डॉलर्स परचेजिंग पावर पैरिटी इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी। इसके अलावा देखिए ग्रोथ रेट जो इंडिया का है वो 7.6% है और इंडिया जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है 2016 की ये डाटा है। मगर दोस्तों अभी हाल ही में जो है इंडिया की जो ग्रोथ रेट है उसमें काफ़ी कमी आई है ड्यू टू ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन। और इसके अलावा देखिए फॉरेन रिजर्व इंडिया के 366.7 बिलियन जो है वो बताए जा रहे हैं, बट हाल ही में जो अभी 420 करोड़ और उसके अलावा अभी हाल ही में जब 475 बिलियन डॉलर जो है इंडिया के हो गया था बीच में फोरेक्स रिजर्व, ये घटते बढ़ते रहता है दोस्तों। तो देखिए इसके अलावा देखिए रोड नेटवर्क में इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट है 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर के साथ, बट अभी हाल ही में जो है ये जो है और बढ़ के 42 लाख हो गया है जी, क्योंकि हमारी जो डेली हाईवे प्रोडक्शन की वो जो है वो 11 किलोमीटर पर आर की जो है लगभग ये हाईवे मिनिस्टर जो है इसको कोट कर रहे हैं। तो इंटरनेट यूजर्स इंडिया के सबसे ज़्यादा है 462 मिलियन जो कि सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है। इसके अलावा देखिए पॉपुलेशन की इंडिया में एज लिमिट बिटवीन 15-64 जो है 767 मिलियन है। इसके अलावा अर्बन पॉपुलेशन 377 मिलियन जो कि हर रोज जो है 30% जो पीपल है वो अर्बन एरिया की ओर मूव करते हैं। इसके अलावा देखिए दोस्तों इसके अलावा रेलवे नेटवर्क में इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट नेटवर्क हो जाता है, तो रेलवे नेटवर्क में इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट हो जाता है बट 23 मिलियन पीपल जो हैं रोजाना जो है इंडिया से ट्रेवल करते हैं दोस्तों।
तो आइए आगे जानते हैं। देखिए, इंडिया के पास जो है एक अनपैरेलल्ड इकोनॉमी है, अपॉर्चुनिटी है किन टर्म में, इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल एस्पेक्ट में। देखिए इसमें क्या है, इंडिया के पास जो है ह्यूज कंज्यूमर मार्केट है जो कि 3.6 ट्रिलियन बाय 2025 होने की जो है बात कही जा रही है। सब्सटेंशियल जीडीपी ग्रोथ इंडिया की है जो कि है 20 ट्रिलियन बाय 2025। इसके अलावा देखिए इंडिया एक ये सोशल सेक्टर की अगर हम बात करें तो इंडिया जो है 29 ईयर्स की जो एवरेज है वो इंडिया की एवरेज एज है कितनी, 2025 तक। इसके अलावा देखिए अपवर्ड मोबिलिटी है, 150 मिलियन पीपल जो है वो 2025 तक जो है मिडिल इनकम ग्रुप में जो है वो आ जाएंगे। इसके अलावा इंडिया के पास 99% लिटरेसी रेट हो जाएगा 2025 तक। और इसके साथ साथ देखिए इंक्लूजन ऑफ बैंकिंग सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो 241 मिलियन जो है अकाउंट वो ओपन हुए थे अंडर बैंकिंग फॉर ऑल, जिसे कहते हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो इसके अलावा देखिए डीरेगुलेशन की जब बात करें तो 1000 से ज़्यादा जो एनआरके क्लॉज हैं जो ब्रिटिश एरा के हैं उन्हें रिटेप किया गया है और अमेंड किया गया है हाल ही के जो रिसेंट के सेशंस हुए हैं सरकार के। तो दोस्तों ये अनपैरेलल्ड अपॉर्चुनिटीज़ के अलावा जो है इंडिया के ऊपर जो है अनपैरेलल्ड जिम्मेदारियाँ भी आती हैं, क्योंकि देखिए इतनी जब डेमोग्राफिक डिविडेंड होता है तो उसको डेमोग्राफिक डिजास्टर बनने में भी टाइम नहीं लगता है। तो डेमोग्राफिक डिजास्टर बनने का मतलब क्या है, जो आपकी जो डेमोग्राफिक पॉपुलेशन है वो गलत ओर चले जाएगी और वो गलत रास्ता अपना लेगी जब उसे फेयर एंड इक्विटेबल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी। तो इंडिया को ये चीज़ समझते हुए जो है वो काम करना चाहिए इंडिया को, ताकि जो है इंडिया की जो है अनपैरेलल्ड ग्रोथ जो है उस पर कोई जो है खतरा ना आए। इसके अलावा देखिए एडवांटेज इंडिया के जो हैं ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ में जो है इंडिया का प्रोजेक्शन अभी भी हाई है। देखिए चाइना का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो लगातार नीचे जा रहा है, यूएसए का नीचे जा रहा है, बट इंडिया का जो है अभी भी 2022 तक जो है परचेजिंग पावर पैरिटी में इंडिया का ऊपर जाने की जो है संभावना ग्लोबल रिपोर्ट्स जताती हैं। तो इंडिया जो है ग्रोथ का ओएसिस अभी भी बना हुआ है ग्लोबल आउटलुक में, और इंडिया जो है मेजर इकोनॉमी 2017 मैं जो है चाइना को सरपास करके बनेगा ये जो है प्रोजेक्ट किया गया था, बट 2022 तक इसे और एक्सटेंड कर दिया गया है। इसके अलावा देखिए जो ट्रेंड एक्सपेक्टेड है वो ये है कि 2021 तक ये ट्रेंड पूरा जो है कंटिन्यू रहेगा। तो ये जो सोर्स है दोस्तों ये IMF का सोर्स है, ये IMF से ली गई है प्रोजेक्शंस, तो ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो है रिपोर्ट कहती है। इसके अलावा देखिए UNDP एशिया पैसिफिक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2016 बताती है कि इंडिया ने जो है स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर मार्केट है, इसके साथ साथ एक लार्ज पॉपुलेशन भी है, और देखिए जो इनकम लेवल्स हैं वो 2025 तक जो है ट्रिपल होने की बात इसने कही है। इसके अलावा देखिए अर्बन मार्केट जो है वो 2/3 ऑफ द कंजप्शन ओवर कमिंग डिकेड होंगे। इसके अलावा देखिए वर्किंग पॉपुलेशन जो है वो 33% इंडिया की इंक्रीज़ होगी और 1.4 बिलियन 2025 तक हो जाएगी। इसके अलावा इंडिया जो है यंगेस्ट नेशन हो जाएगा मीडियन एज में, और 37.3 एज जो है वो 2050 तक रहेगी। और ये देखिए यहाँ पे जो है पॉपुलेशन इन मिलियन है और वर्किंग पॉपुलेशन इन मीडियन, तो देखिए लगातार जो है वर्किंग पॉपुलेशन का जो है इजाफा हो रहा है इंडिया के लिए, जो बहुत ही बड़ा फ़ायदा हो सकता है अगर हम अच्छे से इसे यूटिलाइज़ करें। अब देखिए इंडिया की जो ग्रोथ है उसके लिए, रिसर्जेंट ग्रोथ के लिए क्या क्या बेसिक पिलर्स हैं, तो ये है न्यू प्रोसेसेस की जब हम बात करते हैं तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, GST, डीमोनेटाइजेशन। इसके अलावा देखिए न्यू सेक्टर्स कौन कौन से उभर के आ रहे हैं, तो ये FDI है, न्यू अप्रोच क्या क्या है इसमें, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्केल इंडिया। इसके अलावा देखिए न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो की इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्शन जैसे कि हॉस्पिटल, बिल्डिंग, अर्बनाइजेशन, और उसके अलावा जो है अन्य चीज़ों पे भी फोकस करने की ज़रूरत है। अब न्यू इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जब हम इंडिया डिज़ाइन एंड इनोवेशन की बात करते हैं, स्टार्टअप इंडिया की बात करते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। इसके अलावा देखिए न्यू माइंडसेट, तो इसके लिए हमें क्या है रेड टेपिज्म और जो लाल फीताशाही जिसे हम बोलते हैं उसे पूरी तरीके से हटाने की ज़रूरत है। इसके अलावा देखिए मेक इन इंडिया इनिशिएटिव जो है उसमें क्या है, क्या हो रहा है कि नई प्रोसेसेस जिसमें कि ईज़ ऑफ डूइंग जो है मोस्ट क्रूशियल है, ताकि जो बिज़नेस है उसको प्रमोट किया जा सके, मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन इंडिया को बनाया जा सके। इसके अलावा ईज़ ऑफ डूइंग में जो है बिज़नेस की प्रोसेसेस और प्रोसीजर को जो है और सही करने की ज़रूरत है, जिससे कि एवेन्यू जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के वो और भी ज़्यादा खुल जाएँ और ग्रोथ जो है और भी ज़्यादा हो जाए। तो दोस्तों आगे जानते हैं कि ईज़ ऑफ डूइंग में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एम्फेसिस जो है वो किस प्रकार से है। तो देखिए
ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में जो है गवर्नमेंट ने जो है बिजनेस को और सिंप्लीफाई करने के प्रयास किया है, इंप्रूवमेंट सिंप्लीफाई और रेशनलाइजेशन किया है एग्जिस्टिंग रूल का, चाहे कॉरपोरेट टैक्स में कमी लाने की बात हो, चाहे अभी हाल ही के जो कंपनीज एक्ट में अमेंडमेंट हो, CSR अमेंडमेंट बिल हो, तो गवर्नमेंट जो है लगातार काम कर रही है किसके ऊपर, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए और कॉम्पिटिटिवनेस मार्केट में बढ़ाने के लिए। और इसके अलावा देखिए IT सेक्टर को मोर एफिशिएंट और इफेक्टिव गवर्नेंस बनाने के लिए, अब देखिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में जो है इंडिया ने जो है 111 प्लेस ऊपर आया है और इन टर्म्स ऑफ गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, तो ये पैरामीटर जो है वर्ल्ड बैंक्स डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2014 से 16 के बीच की ये रिपोर्ट कहती है। और एनवायरमेंटल क्लियरेंस में जो वैलिडिटी है वो 3 से 7 साल बढ़ा दी गई है। तो दोस्तों ये सभी जो है गवर्नमेंट के स्टेप्स में आप लिख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है गवर्नमेंट जो है वो ट्राई कर रही है कि जो है देश में जो है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को जो है बढ़ाया जाए। इसके अलावा देखिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम इंटीग्रेटेड, देखिए 6 के 6 डिपार्टमेंट को इंटीग्रेट किया गया है। कस्टम्स की जब हम बात करते हैं तो 24/7 जो है 19 एयरपोर्ट और 17 कार्गो कॉम्प्लेक्स जो है वो क्लियरेंस दे रहे हैं। एनवायरमेंटल क्लियरेंस की बात करते हैं जब हम, तो अब जो है रिक्वायर नहीं है 36 वाइट इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो देखिए ये सभी पॉइंट्स जो है आपको मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनको सबको आप नोट करते रहिए। अब देखिए स्टेट फोकस जो है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का वो क्या है, इंडिया में जो है स्टेट जो है इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही फ्रेंडली होते जा रहे हैं और 7124 ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो है 36 स्टेट और यूनियन टेरेटरीज ने जो है इंप्लीमेंट कर दिए हैं। देखिए टैक्स रिफॉर्म जो है 100% इंप्लीमेंटेशन इसका 6 स्टेट्स में हो चुका है। इसके अलावा देखिए ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम जो है इसके लिए जो है ऑनलाइन सिस्टम फॉर फाइलिंग टैक्स रिटर्न जो है स्टेट्स के द्वारा जो है किया गया है, 13 स्टेट्स ने इसको इंप्लीमेंट कर दिया है। सिंगल विंडो पेमेंट सिस्टम और अप्रूवल इसके लिए 16 स्टेट्स ने इसको जो है पूरा इंप्लीमेंट कर दिया है। इसके अलावा 100% इंप्लीमेंटेशन ऑफ सिंगल विंडो रिफॉर्म इसके लिए 8 स्टेट्स ने इसको इंप्लीमेंट कर दिया है। इसके अलावा एनवायरमेंटल रिफॉर्म की जब हम बात करते हैं तो 100% इंप्लीमेंटेशन किया है एनवायरमेंटल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एनवायरमेंटल रिफॉर्म का 15 स्टेट्स ने। वहीं जब हम बात करते हैं एक्सेप्शन ऑफ सेलेक्टेड ग्रीन वाइट इंडस्ट्रीज फ्रॉम पॉल्यूशन बेस्ड क्लियरेंस, तो इसके जो इंप्लीमेंटेशन है वो 18 स्टेट अभी तक कर चुके हैं दोस्तों। तो आगे जानते हैं, देखिए रिफॉर्म की कैटेगरी में जब हम बात करते हैं पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंस्पेक्शन 100% जो है इंस्पेक्शन इन रिफॉर्म्स 10 स्टेटों ने अभी हाल ही में लागू किया है और बढ़ रहे हैं लगातार नंबर। इसके अलावा देखिए परमिशन फॉर जॉइंट इंस्पेक्शन अंडर 10X जो है वो 18 स्टेट इंप्लीमेंट कर चुके हैं। बिल्डिंग प्लान अप्रूवल जो है इसमें ऑनलाइन सिस्टम फॉर ऑटोमेटेड बिल्डिंग प्लान अप्रूवल जो है 13 स्टेट इंप्लीमेंट कर चुके हैं। ई फाइलिंग सिस्टम फॉर कमर्शियल डिस्प्यूट इन डिस्ट्रिक्ट कमर्शियल कोर्ट्स जो है इसको 11 स्टेट जो है इंप्लीमेंट कर चुके हैं। इसके अलावा देखिए एस्टैब्लिशिंग स्पेशलाइज्ड कोर्ट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल टू रिजॉल्व द कमर्शियल डिस्प्यूट, तो इसको 13 स्टेट इंप्लीमेंट कर चुके हैं। हाल ही में जो गवर्नमेंट है वो जो है कंज्यूमर एक्ट में भी अमेंडमेंट लाई है। अब होगा क्या जो है आप जो है आपको कंज्यूमर कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा, आपको एक बार फाइल कर देनी होगी और जो कंप्लेन जिसके खिलाफ होगी वो कोर्ट जाएगा और उसे जो है वहाँ रिपोर्ट करना होगा। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा गवर्नमेंट की जो इनिशिएटिव्स हैं वो काफ़ी सराहनीय कहे जा सकते हैं। अब देखिए व्हाट GST का जो फ्यूचर है वो क्या होता है दोस्तों, तो देखिए जो रिमूवल ऑफ 17 डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो कास्केडिंग इफेक्ट है टैक्स का, और इससे क्या होगा एडमिनिस्ट्रेशन में जो है सिंप्लीफिकेशन आएगा और कंप्लायंस बढ़ेगी। इससे क्या होगा इनडायरेक्ट टैक्स रिजाइम जो है वो कलेक्शन में बदलेगी और रिमूवल ऑफ स्टेट इंटर स्टेट लेवी टैक्स जो है वो ज़्यादा बढ़ेगा। अब इंक्लूसिविटी कैसे आएगी, देखिए अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो होगा वो टैक्स रिजाइम के अंदर आएगा। इसके अलावा कॉस्ट एडवांटेजेस क्या होगा, जो कॉस्ट होंगे कैपिटल गुड के लिए वो लोअर इन्वेंट्री और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में जो है वो यूटिलाइज होंगे। इसके अलावा जो होगा जो ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स होगा कंट्री में वो एफिशिएंट और लो कॉस्ट लॉजिस्टिक पे होगा, जो कि बहुत ही बड़ा कदम है। अब देखिए डिमोनेटाइजेशन की जब हम बात करते हैं कोई इसे फेलियर बताते हैं कोई इसे जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट बताते हैं, तो GDP ग्रोथ जो है उसमें इंक्लूजन लाया इनफॉर्मल इकोनॉमी से फॉर्मल की ओर, उसके अलावा रूरल इकोनॉमी से जो है स्मॉल स्केल सेक्टर की ओर ई पेमेंट की ओर इसने जो है बढ़ाया। इसके अलावा देखिए बूस्ट ऑनलाइन ई ट्रांजैक्शन के लिए जो है इसने क्या किया, फॉर्मल बिजनेस को जो है ज़्यादा प्रमोट किया और कैश ऑन डिलीवरी मॉडल को जो है इसने ज़्यादा प्रमोट किया। इंक्लूसिविटी की जब हम बात करते हैं तो बैंकिंग पेनिट्रेशन का फाइनेंशियल इंक्लूजन यहाँ पे हुआ। इसके अलावा जो है बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है वो भी स्ट्रेंथनिंग हुई, जैसे कि बैंक ने जो है इंटरेस्ट रेट घटाए और लिक्विडिटी जो है वो अवेलेबल कराई। इसके अलावा देखिए फॉर्मल पेमेंट सिस्टम जो है बैंक जो है डेली वेजेस अर्नर के लिए जो है लेके आए।
आगे देखते हैं दोस्तों। तो देखिए, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव जो है न्यू सेक्टर के लिए जो है इम्पिटस प्रोवाइड करता है नई डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के लिए। इसके अलावा जो है एफडीआई में रिफॉर्म के कारण जो है लगातार जो है एफडीआई इनफ्लो बढ़ रहे हैं, ताकि जो कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसमें जो है एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट किया जा सके। आगे देखते हैं कि जो मेजर एफडीआई इनफ्लो है मेक इन इंडिया के, उसके इम्पैक्ट क्या होंगे। देखिए, इससे क्या होगा, एफडीआई मेक इन इंडिया के से जो होगा 49% जो है एफडीआई में जो है लगातार ग्रोथ होगा, मगर कहीं कहीं पे जो है एफडीआई का इनफ्लो जो है कम भी देखा जा रहा है। तो एफडीआई इक्विटी इनफ्लो में 62% गवर्नमेंट जो है बात कर रही है कि जो एफडीआई इनफ्लो है वो बढ़ जाएगा। इसके अलावा देखिए, जो YOY ग्रोथ है यानी कि ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है वो ये दिखा रही है कि कॉन्फिडेंस फॉरेन इन्वेस्टर का जो है लगातार बढ़ रहा है। 23% ग्रोथ है 2014 से लेकर 2016 के बीच में, देखिए आप लगातार देख रहे हैं। इसके अलावा देखिए, 30% FDI इक्विटी में जो है लगातार अप्रैल 2014 से 16 में जो है वो इंक्रीज है, और जो हाईएस्ट FDI इनफ्लो है 2.5 ईयर्स में 149 बिलियन डॉलर, वो 31% क्यूमुलेटिव FDI ग्रोथ है पिछले 17 ईयर में US डॉलर के। बट अभी जो है क्रिटिक्स इवॉल्व हुए हैं मेक इन इंडिया स्कीम्स के ऊपर भी। अब देखिए कि रिफॉर्म्स एफडीआई के कहां कहां सेक्टर में हुए हैं। देखिए, डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग, फूड प्रोसेसिंग, टेलीकम्युनिकेशन, एग्रीकल्चर, फार्मास्यूटिकल, सिविल एविएशन, स्पेस, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी, रेलवेज, इंश्योरिंग, इंश्योरेंस एंड पेंशन, मेडिकल डिवाइसेस और सिंगल ब्रांड रिटेल। तो इन सभी सेक्टर्स में जो है कि एफडीआई जो है रिफॉर्म्स हुए हैं। अब देखिए, जो अभी मेक इन इंडिया के अंतर्गत जो नई अप्रोच है उसमें क्या है, नेशनल इनिशिएटिव जो है वो मैन्युफैक्चरिंग और चीज़ों के लिए अपॉर्चुनिटी बढ़ाने के लिए जो है टैलेंट और अपॉर्चुनिटी और एंटरप्रेन्योरशिप बनाने के लिए जो है लिए जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया का जो है वो प्रमोशन अपने आप हो रहा है दोस्तों। तो जो हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेक इन इंडिया हैज़ एलिवेटेड इंडिया एज अ मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन ऑन द वर्ल्ड, इंडिया इज 6th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंट्री इन द वर्ल्ड फ्रॉम द 9th आफ्टर मेक इन इंडिया। तो देखिए, ये हमारी ग्रोथ की बात प्रधानमंत्री जी कहते हैं। तो 23.8 मिलियन जो है पेजेस व्यू किए गए हैं सोशल मीडिया पर, और 4.25 मिलियन जो है फेसबुक फैन हुए, और 2.38 मिलियन टन से जो है 2.38 मिलियन ट्विटर जो है फॉलोवर कर रहे हैं किसे, मेक इन इंडिया स्कीम को। तो मेक इन इंडिया के बारे में अवेयरनेस को लेकर ये स्लाइड थी। तो आगे जानते हैं दोस्तों, तो मेक इन इंडिया के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो इंडिया को प्रमोट करना है एज अ मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन। इसके अलावा मेक इन इंडिया जो है 21 कोर सेक्टर पे जो है कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री और स्टेक होल्डर्स के साथ जो है प्लान बना रहा है। इसके अलावा जो है मेक इन इंडिया एक्शन प्लान के अंतर्गत जो है 57 टर्म जो है एक्शन प्लान जो है और 65 टर्म एक्शन प्लान जो है वो बना चुके हैं, और 73% जो है इसका इम्प्लीमेंटेशन अचीव हो गया, और 34% जो है मीडियम टर्म के लिए जो है इम्प्लीमेंट करना भी बाकी है। तो आगे देखते हैं, ग्लोबल एरिना में जो है मेक इन इंडिया मिटल स्टैंड क्या है। तो ये अनदर माइलस्टोन है इन डूइंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जिसमें कि डेजिग्नेट किया गया है जर्मन कंपनीज को इंडिया में की मेक इन इंडिया मार्केट में मेटल स्टैंड कंपनीज को थ्रू स्मूथ प्रोसेस, और इससे क्या होगा, आइडेंटिफाइड कंट्रीज में जो है वो इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो सर्विस इसमें क्या क्या ऑफर की जा रही है, स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग, ऑपरेशनल मार्केट एंट्री सपोर्ट, फाइनेंशियल सर्विस, लोकेशनल सर्विस, फैसिलेशन ऑफ अप्रूवल। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा एक्सेस टू गवर्नमेंट एजेंसीज, टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन, और इसके अलावा देखिए प्रोजेक्ट फाइनेंस दिया जा रहा है, टैक्स की जो है लीगल टैक्स है और लीगल सपोर्ट, मर्जर और एक्विजिशन में जो एडवाइस दी जा रही है। तो देखिए, एक तरीके से मेक इन इंडिया जो है पूरे देश में जो है माहौल सा बना दिया है एक इनोवेशन का। आप देखिए, 2015 से लेकर 17 तक जो रिपोर्ट कार्ड था, तो मेटल स्टैंड कंपनीज़ ने जो है मेक इन इंडिया प्रोग्राम में जो है 304 अप्रोच किया, कंपनीज़ ने जो है ज्वाइन करने के लिए जिन्होंने एक्सप्रेस किया वो 75 थी। इसके अलावा जो है पर्सनल मीटिंग कंडक्टेड बाय मेक इन इंडिया मेटल स्टैंड जो थी वो 75 थी। तो ये सब चीज़ें जो है आपकी मेंस के परस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो डिजिटल इंडिया जो है उस प्रोग्राम की जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसका एम्बिशियस प्रोग्राम है। तो इंडिया का जो विजन है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो है रियल टाइम अवेबिलिटी कराना है सर्विसेज की ऑनलाइन ऑन मोबाइल प्लेटफॉर्म, जो ट्रांसफॉर्म्ड एक्शन सर्विसेज हैं थ्रू डिजिटलाइजेशन और इंप्रूविंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से जो है। इसके अलावा जो है कैशलेस इकोनॉमी को जो है प्रमोट करना, जॉब क्रिएशन जो है 17 मिलियन डायरेक्ट जॉब्स, एटलीस्ट 85 मिलियन इनडायरेक्ट जॉब्स को क्रिएट करना। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है उसको नो जीरो इम्पोर्ट बाई इन इलेक्ट्रॉनिक्स बाई 2020 करना है दोस्तों। इसके अलावा देखिए, स्किल इंडिया जो है वो प्रोग्राम
क्या है इसमें मीनिंगफुल इंडस्ट्री बेस्ड स्किल ट्रेनिंग जो है पूरे 400 मिलियन पीपल के लिए जो है स्किल इंडिया प्रोग्राम वो करता है। इसके अलावा देखिए नंबर जो है वो 36.8% बढ़ चुका है, 18 लाख कैंडिडेट से जो है वो एटलीस्ट जो है ट्रेन हो चुके हैं और 40% जो है मैन्युफैक्चरिंग रोल्स के लिए तैयार हो चुके हैं। आईटी सेक्टर की जब हम बात करते हैं इंडिया में जो है 10750 मई 2014 तक बढ़ चुके हैं और ये 13105 जो है मई 2016 तक होने वाले हैं। 8 नई रीजनल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है वो वुमेन के लिए ओपन किए गए हैं। इसके साथ साथ इंडिया लेदर डेवलपमेंट प्रोग्राम में जो है 343,311% जो है उनको ट्रेन किया जा चुका है 2014 से 2016 में और 96 इन कंपेरिजन टू 96,171 इन 2012 और 2014। तो दोस्तों ये बहुत ही एम्बिशियस प्रोग्राम है और बहुत ही अच्छे से ये काम कर रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। तो देखिए जैम ट्रिनिटी की जब हम बात करते हैं जनधन योजना आधार और मोबाइल, तो ये जनधन योजना क्या है ये आप मेंस के लिए बहुत ही बड़ा फॉर्डर पॉइंट है आपका जेम्स ट्रिनिटी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हर प्रोग्राम में जो है ये काम कर रहा है। तो जनधन का मतलब क्या है, इंटीग्रेटेड अप्रोच टू ब्रिंग फाइनेंशियल इंक्लूसिबिलिटी ऑल सिटीजन्स बाय, इसमें क्या होगा 2219 मिलियन अकाउंट अभी तक ओपन किए जा चुके हैं। आधार जो है यूनिक आइडेंटिटी हर आदमी को दे रहा है, अबाउट 1 बिलियन जो है एनरोलमेंट हो चुके हैं। और मोबाइल क्या है, इंडियन मार्केट का सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है और 1 बिलियन से ज़्यादा जो है इंडिया में जो है टोटल वो हैं मोबाइल फ़ोन यूजर्स हैं। और तो इंक्लूसिविटी बैंकिंग फॉर ऑल कनेक्टिविटी फॉर ऑल आर 3 पिलर्स ऑफ ह्यूज डिमांड मोटिवेट इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड इकोनॉमिक ग्रोथ टू अचीव मेक इन इंडिया विजन। तो दोस्तों ये जो लाइन है ये आप नोट कर लीजिए, ये जैम ट्रिनिटी और ये जो है ये आपके मेंस के लिए बहुत ही बड़ा फोर्डर पॉइंट हो जाती है। तो इसके अलावा देखिए जो न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग अर्बनाइजेशन के लिए जो है फैसिलिटेट करता है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल अर्बनाइजेशन जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ को जो है ड्राइव करेगा और क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडियन सिटीजन्स की जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो है वो बहुत सही कर देगा। इसके अलावा देखते हैं तो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, देखिए दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है दोस्तों देखिए दिल्ली से मुंबई की ओर जो जा रहा है, चेन्नई बेंगलुरु जो है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ये यहाँ पर से जा रहा है। इसके अलावा देखिए बेंगलुरु मुंबई इकोनॉमिक कॉरिडोर को जो है डेवलप किया गया है। इसके अलावा बिजाग चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को जो है डेवलप किया है गवर्नमेंट ने, ताकि जो है ये जो है सागरमाला और भारतमाला प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स को जो है डेवलप किया जा रहा है। तो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है न्यू इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट लोकेशन बनाने के लिए इंडिया को जो है, ताकि उसमें जो है न्यूमरस इन्वायरमेंट मतलब न्यूमरस उसको जो है इंडिया को बेनिफिट हो जाए। इसके लिए जो है लार्ज लैंड पार्सल जो दिए जा रहे हैं, प्लैंड कम्युनिटीज़ जो है वो बनाई जा रही हैं, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट किया जा रहा है, लाइफ वर्क लिव वर्क प्ले कल्चर को जो है प्रमोट किया जा रहा है। इसके अलावा जो है सपोर्टिव पॉलिसीज़ गवर्नमेंट ला रही है। इसके अलावा जो है ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को गवर्नमेंट प्लान वो कर रही है, प्ले प्लान सर्विसेज को जो है गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, सिंगल विंडो सिस्टम पे आज बहुत ज़्यादा एम्फेसिस किया जा रहा है। उसके अलावा देखिए अप्रूवल जो है सीधे सीधे जो है सिंगल विंडो सिस्टम पे जो है वो आ जा रहे हैं। तो सस्टेनेबल लिविंग के लिए जो है गवर्नमेंट जो है लगातार प्रयासरत है दोस्तों। तो इसके अलावा देखिए दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है, तो ये क्या होगा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को 14 दिन से 14 घंटे में बदल देगा, यानी कि कितना ज़्यादा जो है ये आपको जो है फ़ायदे देगा। इससे क्या होगा एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट इसमें 100 बिलियन का होगा और डेडिकेटेड फ्लीट कॉरिडोर जो है इसमें 1504 मिलियन एज अ बैकबोन होगा। ये जो है 7 स्टेट इसमें दिल्ली उत्तर प्रदेश हरियाणा राजस्थान मध्य प्रदेश गुजरात और महाराष्ट्र जो है आएंगे और इसमें 24 इंडस्ट्रियल रीजन्स होंगे जो कि डेवलप किए जाने हैं और इसमें 8 सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्रियल सिटीज़ जो है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बनाई जाएंगी। तो दोस्तों इसके जो की फीचर्स हैं वो यहाँ पे दर्शाए गए हैं, जैसे कि इंटरनेशनल एविएशन हब जो है इसको बनाया जाएगा, रेलवे स्टेशन यहाँ पे डेवलप होंगे, मल्टी लॉजिस्टिक हब भी इसे बनाया जाएगा, वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग यहाँ पे होगी, पावर प्लांट सेटअप होगा, रोड लिंक प्रोजेक्ट जो है ज़्यादा प्रमोट किए जाएंगे। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें जो है इंडिया के ये जो चीज़ें हैं वो प्रमोट की जाएंगी 2019 तक। देखिए दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर हो सकता है, बट ये देखिए ये जो वीडियो है ये अपने आप में ब्रह्मास्त्र वीडियो आप कह सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो जो है कुल मिला के जो है पूरी तरीके से आपकी जो है सारे डाउट्स क्लियर कर देगा जो भी आपके डाउट्स हैं इससे रिलेटेड। क्योंकि दोस्तों जो होता है
कोई भी स्कीम्स के ऊपर जो होते हैं आदमी के डाउट्स रहते हैं, तो इन्हीं डाउट्स को क्लियर करने के लिए हमने सभी स्कीम्स को इसके अंतर्गत इंक्लूड कर लिया गया है। DMIC सिटीज़ जो एडवांस स्टेज में आ चुकी हैं। DMIC सिटीज़ क्या हैं, देखिए धोलिया गुजरात में जो है हम 22.5 स्क्वायर किलोमीटर जो है बढ़ा रहे हैं। शैलेंद्र महाराष्ट्र में 89 जो फर्स्ट स्टेज में है। इंटीग्रेटेड टाउनशिप ग्रेटर नोएडा में बढ़ाया जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, एनवायरमेंटल क्लियरेंस, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल्ड मैन पावर, एक्सीलेंट कनेक्टिविटी, लैंड रेडी अलॉटमेंट और कंटीजियस लैंड पार्सल जो है वो बढ़ाया जा रहा है। और ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ऑल मेंशन सिटीज़ में 2019 तक जो है पूरा किया जाएगा। अब देखिए रोड्स की जब हम बात करते हैं, हम चाहते हैं कि 2020 तक जो है हाईवे नेटवर्क डबल किया जाए। 22 किलोमीटर हाईवे जो है हर दिन बनाया जा रहा है दोस्तों। ये जो है 100% FDI इसमें अलाउ है। और 7660 नेशनल हाईवे किलोमीटर ऑफ नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे जो है अभी तक बनाया जा चुका है। तो दोस्तों इसके अलावा देखते हैं, इसके अलावा देखिए दोस्तों रेलवे की जो अपॉर्चुनिटी है उनमें रेलवे स्टेशन की जब हम बात करते हैं, रोड रेल सभी जो है हम इसमें बात कर रहे हैं। 400 रेलवे स्टेशन, पैसेंजर एमिनिटी टीज जो है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ रोलिंग स्टॉक जो है, हाई स्पीड रेलवे जो है, सिग्नलिंग सिस्टम जो है, ट्रैक कंस्ट्रक्शन, DFC जो है, पोर्ट माइन कनेक्टिविटी जो है, ये सभी जो है ये बनाई जा रही हैं। और ये देखिए मैप मैं आपके लिए इन्फोग्राफिक ये छोड़ दे रहा हूँ, इसको आप ज़रूर स्क्रीनशॉट लेके जो है बना लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप देखिए पोर्ट और इनलैंड वाटरवे सिस्टम सागरमाला की जब हम बात करते हैं दोस्तों, अगर इसी पे मैं एक वीडियो बनाऊं तो यही 30 मिनट ले लेगा, मगर हम आपको सभी चीज़ जो है इन 30-40 मिनट के अंदर दे रहे हैं। तो 150 मिलियन अपॉर्चुनिटीज़ हैं, 6 ग्रीन फील्ड मेजर प्रोजेक्ट्स हैं, इसके अलावा 44 कैपेसिटी इन्हेंसमेंट प्रोजेक्ट हैं, 80+ जो है कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट हैं, 7 से 8 जो है ड्राई पोर्ट्स हैं, कोस्टल और ILV प्रोजेक्ट्स भी इसके अंतर्गत हैं, 12 मेजर पोर्ट्स, 200 अदर पोर्ट्स और 5 वाटरवे हैं। की प्राइवेट सेक्टर में जो है मुद्रा पिपावे और कृष्णपत्तम जो है इसमें जो है ये मेजर पोर्ट्स हैं। देखिए आप इनको जो है मार्क कर लीजिएगा, मैं आपके लिए मैप मार्किंग के लिए मैप पूरा छोड़ दूंगा। इसके अलावा देखिए नेशनल वाटरवे को ग्रीन से हमने दर्शाया हुआ है और जो ब्लू से दर्शाए गए हैं वो मेजर पोर्ट्स हैं, और प्रपोज्ड मेजर पोर्ट्स जो हैं वो लाइट ब्लू कलर से। और इसकी मैं PPT भी आपको जो है PDF जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, आप IAS करके सर्च करके जो है वहाँ जुड़ सकते हैं और वहाँ से ये PPT ले सकते हैं। देखिए एविएशन सेक्टर की जब हम बात करते हैं तो 80 बिलियन जो है अपॉर्चुनिटी है, थर्ड लार्जेस्ट इंडिया मार्केट है 2030 तक, और 8.6% जो इंडस्ट्री इंटरनेशनल ट्रैफिक ग्रोथ जो है वो एक्सपेक्टेड है। डोमेस्टिक ट्रैफिक ग्रोथ की जब हम बात करते हैं 24.6% जो है डोमेस्टिक ट्रैफिक ग्रोथ है, और 250 एयरपोर्ट अभी तक इंडिया में बन चुके हैं और भी जो है बनाए जा रहे हैं। तो देखिए ये मैप भी आप ज़रूर बना लीजिएगा। इसके अलावा देखिए स्मार्ट सिटीज़ की जब हम बात करते हैं, 111 बिलियन अपॉर्चुनिटीज़ हैं, 98 स्मार्ट सिटीज़ हैं, फॉलोड बाय 2020 ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, और 33 सिटीज़ जो है ऑलरेडी शॉर्टलिस्टेड हैं। इसके अलावा देखिए 15 बिलियन जो है बजटरी सपोर्ट जो है ओवर नेक्स्ट 4 ईयर सीवेज प्लांट्स के लिए जो है वो बनाया जा रहा है, और ग्रीन फील्ड सिटीज़ और ब्राउन फील्ड सिटीज़ को जो है डेवलप किया जा रहा है। इसके अलावा देखिए इंडिया का जो फोकस है वो किस पे है, वो फोकस है कि अमृत योजना पे, अफोर्डेबल अटल मिशन फॉर रिजनरेशन ऑफ अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये क्या है, इसमें जो है अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर ऑल है, जो कि एम करती है टू रिकास्ट अर्बन लैंडस्केप विद अ कैपिटल आउटले ऑफ 7.5 बिलियन US डॉलर। तो ये रेट्रोफिटिंग का काम करता है इन द 550 सिटीज़। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना में जो है इसका एम क्या है, इंश्योर 200 बिलियन हाउसेज बाय 2022, और इसके फर्स्ट फेज में जो है 100 सिटीज़ जो है ली गई हैं भारत में। इसके अलावा देखिए मेक इन इंडिया इनिशिएटिव में क्या क्या किया गया है, न्यू डिज़ाइन इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इसमें क्या किया गया है कि इकोसिस्टम डिज़ाइन इनोवेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जो है काम किया जा रहा है। इनोवेशन स्टार्टअप इंडिया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डिजाइन, इन्वेस्टमेंट इन इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो हायर पे ऑफ ऑफर करता है पूरी इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडिया के बढ़ाने के लिए। तो इसके अलावा देखिए स्टार्टअप इंडिया जो है उसमें क्या हुआ, थर्ड लार्जेस्ट इंडिया स्टार्टअप इकोसिस्टम है और 3-4 स्टार्टअप्स जो है एवरीडे इंडिया में बॉर्न होते हैं। इससे इसका मतलब यह है कि मोर देन 2000 स्टार्टअप्स हर डे। तो मीडियन एज जो है 31 ईयर है। इसके अलावा जो है 12 इंडियन स्टार्टअप जो है बिलियन डॉलर क्लब में है। इसके अलावा देखिए 55 जो है यूथ जो है प्रेफर करते हैं टू वर्क फॉर स्टार्टअप्स ओवर कॉर्पोरेट्स 2016 की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें जो है
स्टार्टअप वेव जो है वो इमेजिनेशन यूथ ने जो है कैप्चर कर लिया। इसके अलावा देखिए टेक स्टार्टअप जो है 11,500 से 2020 तक और 4,300 जो है 2015 तक, और नंबर ऑफ इंक्यूबेटर्स जो है वो 40% से 140 होने वाला 2015-16 तक, और 15% जो है ग्रोथ नंबर में जो है वो की जा रही है। इससे क्या होगा, 530 जो है एक्टिव इन्वेस्टर्स जो है वो इमर्ज हो चुके हैं स्टार्टअप के स्पेस में, और टोटल फंडिंग जो है 3.8 से 4.0 जो है US डॉलर जो है वो एक्सपेक्टेड की जा रही है। अब देखिए इंडिया की जो आगे हम बात करते हैं कि आईपी प्रोसेसेस में जो है इंडिया ने कैसे स्ट्रीमलाइन किया है, तो मैन पावर जो ऑगमेंटेशन किया है इसमें क्या किया है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में 459 जो है पेटेंट एग्जामिनर सेलेक्ट किए गए हैं, जो पहले से ज़्यादा हैं, 130 पहले थे और 296 ने जो है एक्चुअल एग्जामिनेशन वर्क भी जो है वो शुरू किया गया है। इसके अलावा देखिए बैकलॉग क्लियरिंग और रिड्यूसिंग पेंडेंसी के लिए जो है ट्रेडमार्क एग्जामिनेशन 2.5 टाइम जो है फाइनेंशियल ईयर में बढ़ा दिया गया है, और जनवरी तक ये पेंडेंसी ट्रेडमार्क जो है 13 मंथ के लिए जो है वो बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा देखिए एग्जामिनेशन के लिए जो है आगे भी बहुत से काम किए जा रहे हैं। इसके अलावा देखिए नए माइंडसेट जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट को जो है फैसिलिटेटर का काम करना चाहिए, नॉट रेगुलेटर का। ये पॉइंट आपकी मेंस के लिए एक और फॉर्डर पॉइंट है। तो रेड टेपिज्म और रेड टेप को रेड कारपेट की ओर गवर्नमेंट ने बदलना चाहिए। ये बहुत ही फ्रेजेज है देखिए आपके ऐसे और मेंस के लिए, तो आप इनको नोट जरूर कर लें। तो इसके लिए जो है एनकरेजिंग बिजनेस जो है गवर्नमेंट को बनाना चाहिए, और प्राइवेट सेक्टर के लिए जो है कॉमन गोल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो है वो लाना चाहिए। अब देखिए इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन जो है इंडिया के ग्रोथ के लिए, तो इंडिया जो है वर्ल्ड्स नंबर वन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी UNCTAD क्या कहती है, तो इसमें क्या कहती है, अवेयरनेस एंड एंगेजमेंट, बिजनेस एडवाइजरी, स्ट्रेटजी एंड इम्प्लीमेंटेशन, इन्वेस्टमेंट आफ्टर केस और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, ये जो है स्टेप्स जो है उन्होंने बताए हैं। इसके अलावा देखिए ये जो है फैक्चुअल डाटा है, इस पर ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, मगर फिर भी आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। अब देखिए तो मेक इन इंडिया स्कीम्स जो है फर्स्ट अमंग द टॉप 10 FDI डिमांडर्स, फर्स्ट अमंग द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन 2016। अब ये पूरा डाटा आप जो है नोट कर लीजिए कि इंडिया की रैंकिंग्स हमने पूरी बताई हुई हैं, इसको पूरा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि इंडिया की रैंकिंग कौन कौन सी है। मैं 2 सेकंड आपके लिए यहाँ पे जो है वीडियो पॉज कर लूँगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बस ये वीडियो जो है आपका जो है बेसिकली इन्हीं चीज़ों को लेके ओरिएंटेड था कि जो है इंडिया जो है फर्स्ट अमंग इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन हो चुका है पूल्ड ग्लोबली, और 7th जो है वैल्यूड नेशन है अमंग द वर्ल्ड, 15वां जो है इंडिया जो है प्लेस बन चुका है ऑन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। इसके अलावा जो है 19th प्लेस इंडिया को मिल चुकी है लॉजिस्टिक प्रेफरेंस इंडेक्स में, 32 प्लेस इंडिया की है ग्लोबल कॉम्पिटेटिव इंडेक्स में, 62 इंडिया आ चुका है FDI इक्विटी इनफ्लो में, और 149 बिलियन जो है इंडिया की हाईएस्ट एवर रिकॉर्डेड इनफ्लो है। इसके अलावा 6th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर इंडिया जो है वर्ल्ड का बन चुका है, और इंडिया जो है अमंग फर्स्ट 100 कंट्रीज़ है जो ग्रोथ इनोवेशन और लीडरशिप इंडेक्स में हैं। इसके अलावा इंडिया जो है वर्ल्ड की टॉप मोस्ट ग्रीन फील्ड FDI डेस्टिनेशन में से एक है। तो दोस्तों मेक इन इंडिया स्कीम्स के बारे में आज की जो वीडियो है वो यहीं लगभग समाप्त होती है, क्योंकि मेक इन इंडिया स्कीम से अंतर्गत जितनी भी चीज़ें थी वो हमने आपको जो है डिटेल्ड में समझा दी हैं। अगर आपको ये PDF चाहिए तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैं ये अपलोड कर रहा हूँ। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप IAS.help@gmail.com पे हम पे संपर्क कीजिए। इसके अलावा हमारा फ़ोन नंबर है 9994943600, आप जब चाहें हमें WhatsApp पे संपर्क कर सकते हैं, ज़्यादा कॉलिंग के कारण जो है कॉल हम रिसीव नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है वो उसमें बस इतना ही, तो ऐसे ही गुणवत्ता पूर्वक जो है क्रैश कोर्स हम आपके लिए ला रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफरेंट मिनिस्ट्री की ऑथेंटिक रिपोर्ट्स साइट्स और जो भी चीज़ें हैं वो हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो दोस्तों हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जाते जाते फिर एक बार छोड़ जाते हैं आपको एक मोटिवेशनल थॉट के साथ कि जो कहता है कि मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता, हिम्मत करने वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता, जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। क्योंकि आप लोग मेहनत कर रहे हैं तो भूल जाइए कि सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि आपका काम मेहनत करना है, और जैसे कि गीता में कहा गया कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलहेतुर्वो माते संगोऽस्तु कर्मणि, तो आप अपने कर्म कीजिए, फल की इच्छा बिल्कुल मत रखिए, फल जरूर मिलेगा, IAS आप ज़रूर बनेंगे। आप क्वालिटेटिव ऑथेंटिक और अकाउंटेबल और प्रोफेशनल वे में आप तैयारी कीजिए, आप IAS आपके साथ हमेशा की तरह खड़ा रहेगा। धन्यवाद।